हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओडिशा ट्रेडर्स एच आर मास्टर ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल ए हैप्पी दिवाली। एंड मंडे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। इनफैक्ट एनालिसिस का कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मंडे को मार्केट नॉर्मली क्या होता है, धनतेरस के दिन आइदर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, नहीं तो अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा एंड मार्केट नीचे आता है। ये नॉर्मली अगर आप देखेंगे पिछले 7-8 साल का डाटा भी आप देख सकते हैं, वही होता है। तो अगर आप पी होल्ड करके गए हो तो डेफिनेटली वर इन ट्रबल। मंडे को आपको प्रॉफिट तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? क्योंकि नॉर्मली देखिए धनतेरस के दिन क्या होता है, BTST ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा बाइंग करके रखते हैं, तो सेलिंग का मूड में बहुत सारे लोग नहीं होते, तो और होल्डिंग का मूड में भी नहीं होते। जो भी जितना भी प्रॉफिट होता है इसको लेके भागते हैं। मतलब सबको लगता है कि इस दिन थोड़ा प्रॉफिट हो गया तो चलो ज़्यादा रिस्क लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 घंटा का ड्यूरेशन है, टाइम डी के विल बी वेरी फास्ट। सो इस केसेस में आपको ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब लास्ट फास्ट 15 मिनट में जो भी ट्रेड करना है कर लीजिए जगह, ठीक है? तो फ्राइडे को मैं क्या किया था, देखिए फ्राइडे को मुझे जैसे लग रहा था US मार्केट का जो कंडीशन था, मतलब US मार्केट ये जो लेवल था, देखिए 30,840 का जो लेवल था, ये लेवल को 2 बार 3 बार मतलब हिट कर चुका था। तो मेरा ये कन्फिडेंस था कि ये लगभग यहाँ पे नेकलाइन के ऊपर था, मतलब डबल टॉप पैटर्न करके नेकलाइन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था, इसके थर्ड ज़्यादा नीचे नहीं आता, एक सपोर्ट पे था। तो मेरा ये कन्फिडेंस था कि मार्केट जो भी हो फ्राइडे को ये जो 30,840 का लेवल को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़ा मूव हो सकता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा गैप डाउन में था। तो इसके वजह से और हमारा भी दिवाली का जो मुहूर्त ट्रेडिंग है तो इसमें ज़्यादा लोग BTST करके ही जाते हैं, ठीक है? मतलब सब सी बाइंग करते हैं, नहीं तो स्टॉक को बाय करते हैं। तो डेफिनेटली इंडेक्स में क्या होता है, आइदर बड़ा गैप अप होता है नहीं तो एक फ्लैट ओपनिंग होकर फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है, ठीक है? तो यही हुआ मार्केट में। लगभग अभी मैं पोल कर रहा था हमारा टेलीग्राम में, बहुत सारे लोग पी बाय करके भी गए हैं, तो जिन लोगों ने पी बाय किए हैं डेफिनेटली उनका एक बड़ा लॉस होगा, ठीक है? तो ये वाला गलती आप मत कीजिए आगे जाके। तो मुहूर्त ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा एनालिसिस करने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है, मार्केट गैप अप होने का चांसेस ज़्यादा है। तो मार्केट कैन ओपन नियर 17,750 to 17,850, क्योंकि अभी जो है SGX निफ्टी 17,800 के आसपास चल रहा है, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी का भी कंडीशन, देखिए निफ्टी ये जो कंडीशन में था अभी लगभग निफ्टी का जो ओपनिंग होगा ये लेवल पे होगा, ठीक है? ये जो मैं अभी आपको बता देता हूँ ये वाला लेवल पे होगा, मतलब ये लेवल के पास हो सकता है, ठीक है? तो मार्केट के लिए ये जो 17,820 का लेवल है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस से काम कर सकता है। इसी लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है तो हम लोग को थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, नहीं तो अगर मार्केट ये लेवल कल मंडे को अगर और 100-150 पॉइंट ऊपर चला गया तो 17,900 भी कुछ बड़ा बात नहीं है, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है। तो आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है, गैप अप पर आपको सी बाइंग नहीं करना है। पी बाइंग के लिए सोच सकते हैं आप, लेकिन छोटा क्वांटिटी में बाय कीजिए और जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट होता है आप निकल जाए, क्योंकि मंडे के लिए ज़्यादा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने का कुछ भी फायदा नहीं है। बड़ा गैप अप होगा, इसके बाद प्रॉफिट बुक देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा डाउन भी हो सकता है मार्केट, थोड़ा डाउन होने के बाद साइडवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि ऑप्शन बायर को ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए, कुछ भी BTST नहीं है, तो आप कुछ भी अमाउंट हो जो भी आपके पास है इसको कुछ अच्छा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखिए, जो कि आपको आगे जाके स्विंग ट्रेड में अच्छा खासा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है? तो अगर आपका लॉसेस हो जाता है तो डेफिनेटली आपका मूड ख़राब हो जाएगा, दिवाली भी आपका ख़त्म हो जाएगा उसी, मतलब उसी ट्रेडिंग के साथ, मूड ट्रेडिंग के साथ साथ दिवाली भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब मूड ऑफ हो जाएगा अगर आपका लॉसेस हो रहा है। तो मैं आपको अपील करूँगा कि एज ए रिटेल ट्रेडर आप थोड़ा कॉशियसली यहाँ पर ट्रेड करें मूड ट्रेडिंग में, ठीक है? अगर आप पी सी बाय करके रखे हो तो अच्छा है, आराम से प्रॉफिट बुक कर लो। पी वालों का लॉसेस होगा, आपको माइंड में कर लेना है आज से, ठीक है? एंड अगर कोई कुछ भी बाय नहीं किया है, थोड़ा सा क्वांटिटी आप मुहूर्त ट्रेडिंग में बाय करके रखिए, जो कि एक अच्छा दिन माना जाता है ऑप्शन मतलब ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? तो अगेन विश यू ऑल ए हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली एंड धनतेरस, एंड थैंक यू ऑल, सी यू इन मुहूर्त ट्रेडिंग डे। थैंक यू।